हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स। मैं हूं चिते। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने ऑल न्यू टाटा टायगोर सीएनजी के बारे में। तो करंट जो आप लोग वेरिएंट देख रहे हो भाई, वो है हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, दैट इज एग्जेड प्लस डुअल टोन। तो फिलहाल भाई जो आप लोगों के पास टायगोर है सीएनजी में, आप लोगों के पास टोटल तीन ही ऑप्शन मिलते हैं, एग्जेड, एग्जेड प्लस और एग्जेड प्लस डुअल टोन। बाकी भाई इस गाड़ी से रिलेटेड आज हम मतलब इसका डिटेल रिव्यू नहीं कर रहे, आज हम इसका रियल लाइफ माइलेज टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कितनी एवरेज देती है अपना सीएनजी पे। तो मोटा मोटा अगर आप लोगों को की हाईलाइट फीचर के बारे में बताऊं, जो टॉप वेरिएंट है, तो आप लोगों को इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, डीआरएस मिल जाएगी, साथ में भाई क्रोम मिल जाएगा, और साथ में इंटीरियर की बात करें तो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल, साथ में भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हरमन गार्डन का 7 इंचेस का आप लोगों का एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सपोर्टेबल स्टीरियो, और ऐसे भाई जितने भी बेसिक फीचर जो एक गाड़ी में रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे कुछ इस गाड़ी में दे रखे हैं। सीएनजी वाली गाड़ी के अंदर भाई इतने फीचर्स कोई और सेगमेंट मेरे हिसाब से नहीं देती। तो ये वाली गाड़ी भाई आप लोगों को साथ में कंफर्ट भी दे रही है और साथ में भाई माइलेज भी देगी। तो फिलहाल अभी भाई गाड़ी के अंदर सीएनजी थोड़ी सी कम है, तो फटाफट एक बार हम पेट्रोल पंप पे चलते हैं और वहाँ पे जाके इसमें सीएनजी डलवा लेते हैं और फिर करते हैं अपनी बाकी की बातें। सो गाइस, हम अपने सीएनजी पंप पे पहुंच चुके हैं। तो अभी गाड़ी के अंदर सीएनजी ऑलमोस्ट ही फुल थी, बट इसमें एक पॉइंट कम था, तो मैंने सोचा भाई एक बार इसे बिल्कुल फुल करा लेता हूं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई ब्रिम टू ब्रिम मेथड हम यूज करने वाले हैं, तो उसके अंदर कंप्लीट अपने फुल होनी चाहिए सीएनजी। तो एक पॉइंट कम है, तो एक बार फटाफट मैं इसमें सीएनजी भी डलवा लेता हूं और वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितने किलो इसके अंदर गैस आ रही है अभी एक पॉइंट पे भी। तो एक बार इसे भी डलवा लेता हूं, फिर उसके बाद इसका ट्रिप ए अपना जीरो वगैरह करके फिर ड्राइविंग पूरी करेंगे, हर एक कंडीशन में ड्राइव करेंगे, फिर जैसा आता है रिव्यू मैं आपको शेयर करता हूं। तो भाई सीएनजी फुल हो रही है, मैं आप लोगों को साथ में एक फीचर और बताता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका अपना जो अपना फ्यूल टैंक ओपनर है वो ओपन करूँगा, ये देखना मैंने ओपन करा, गाड़ी अपनी बंद हो गई। तो उसके अंदर ये ऑप्शन है कि जब तक आपका ये फ्यूल टैंक बंद नहीं होगा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और यहाँ पे भाई लिखा भी आ रहा था, मैंने क्लच भी दबा दी, तो क्लोज फ्यूल लिड। तो जब ये भी देख लो, बहुत एक स्मार्ट फीचर है और टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है और सेफ्टी फीचर है। तो एक बार सीएनजी डलने देते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने अपनी किलो इसमें गैस आ। सो गाइस, सीएनजी हो चुकी है हमारी एकदम फुल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, भाई यही इसका इंडिकेशन है, बताता है कि आप लोगों का सीएनजी पे चल रही है। तो जैसे ही मैं गाड़ी भी स्टार्ट कर देता हूँ, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही अगर आप लोगों का ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब गाड़ी आपकी सीएनजी पे है, और ये रहा आप लोगों का ऑप्शन इसे भाई स्विच करने के लिए, तो जैसे ही मैं दबाता हूँ आप देख सकते हो पेट्रोल पे आ गई और वापसी सीएनजी दबाऊंगा तो सीएनजी मोड एक्टिवेटेड। तो बहुत फास्ट इसके अंदर स्विचिंग है, देखो अपना पेट्रोल और दोबारा से दबाया तो सीएनजी, और भाई पता भी नहीं लग रहा है कि हमारी भाई सीएनजी पे हो चुकी है। एक बार भाई मैं इसका ट्रिप भी जीरो कर देता हूँ, जिससे हमें पता लगेगा इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो ट्रिप भी फिलहाल हम जीरो कर देते हैं, और यहाँ से मैंने भाई इसे प्रेस करके इसे कर दिया है जीरो। तो ट्रिप भी हो चुका है जीरो, सीएनजी हो चुके हैं फुल, अब हम इसे ड्राइव करेंगे। और भाई मैं हर एक कंडीशन में ड्राइव करूंगा इसे, सिटी में भी ड्राइव करूंगा, मैं हाईवे पे भी ड्राइव करूंगा, गाड़ी को स्टैंडिंग भी रखूंगा, ट्रैफिक में भी ड्राइव करेंगे। पर आपको मतलब 20-25 किलोमीटर बाद ना आप लोगों को रिव्यू देता रहूंगा कि गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इन्जॉय करते रहो उसके बीच में सिनेमैटिक शॉट्स, और फिर करते अपनी बाकी की बातें। तो भाई गाड़ी हमने 25 किलोमीटर ड्राइव कर ली है लगभग, और जो भाई फर्स्ट पॉइंट है सीएनजी का वो हमारा जा चुका है। तो लगभग ये मान लो समथिंग 24 किलोमीटर के आसपास ये उड़ गया था, और आप देख लो। तो भाई अभी तक तो रिव्यू बहुत अमेजिंग है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं सीएनजी पे ड्राइव कर रहा हूँ। पिकअप वाइज बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो 1.2 लीटर इंजन है भाई अपनी 73 पीएस पावर जनरेट कर रहा है, और मतलब जेन्युइनली जो चलाने का एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा है। अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उसके बाद आप ये वाली गाड़ी ड्राइव करोगे ना, आप लोगों को इतना इजीली जो डिफरेंस है वो फील नहीं होगा कि आप एक सीएनजी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि बहुत रिफाइंड इंजन है, काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो भाई टाटा की ICNG है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं भाई अभी लगभग हम 75 किलोमीटर्स और ड्राइव करेंगे, लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव करेंगे इस गाड़ी को, और उसके बाद दोबारा से सीएनजी फुल कराएंगे और देखते हैं भाई कितनी क्या एवरेज आ रही है। तो देख लो भाई, और सारी कंडीशन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मैं हाईवे पे आया हूँ, मैंने भाई ट्रैफिक में भी ड्राइव करी है, मैं अंदर गलियों में भी ड्राइव कर रहा हूँ, और हमारा जो AC है भाई वो भी ऑन है अभी। तो AC ऑन के साथ ही मैं सारा कुछ जो एक्सपीरियंस है वो ले रहा हूँ। तो आगे आगे भाई आप देखते हैं फिर कैसे क्या होता है, फिर आगे जो रिव्यू है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ।
तो भाई इसे हमने 55.7 किलोमीटर अभी तक ड्राइव कर लिया, और जो हमारा भाई सेकंड पॉइंट है वो अभी तक भी नहीं गिरा है। अपना फर्स्ट पॉइंट जो 24 किलोमीटर पे गिरा था वही हमारा कंटिन्यू है। परफॉर्मेंस भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है ये अपना जो 73 PS पावर प्रोड्यूस कर रहा है इन जस्ट CNG मोड। तो मोस्ट पावरफुल सेडान है अपना 1.2 लीटर के अंदर CNG मोड के अंदर। साथ में भाई परफॉर्मेंस की बात करें और जिसका सस्पेंशन है भाई वो भी बहुत बढ़िया है। अपने जो सस्पेंशन है CNG के हिसाब से भाई रीट्यून किया गया है, और जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई वो 165 mm है। तो आप देखो CNG सिलेंडर भी अपना पीछे, उस हिसाब से हर एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया। एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, तो जैसे ही आप इसे मतलब ड्राइव करोगे ना आप लोगों को कोई मतलब आपका एक्सलेट करने की जरूरत नहीं है, क्लच पे ही आपकी उठ जाएगी गाड़ी। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो मैंने एक्सेलरेट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्लच पे ही गाड़ी उठ रही है। तो ये भी परफॉर्मेंस देखो भाई इसकी बहुत ही बढ़िया है। और भी इसके भाई फीचर्स के बारे में बात करें, देखो सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को इसके बताऊं तो आप देख सकते हो सारे कुछ अपने माइक्रो स्विच, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया था भाई, जैसे अगर आपका जो फ्यूल ओपनर वो लेड है वो ओपन होगा तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। लीक डिटेंशन फीचर है, जैसे अगर गाड़ी को लग रहा है कि भाई इसके अंदर कोई लीक है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी और जो क्वालिटी है ना स्टेनलेस स्टील वगैरह की वो बहुत अमेजिंग यूज़ करी है। अगर बाई चांस फिर भी कुछ हो जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली CNG से पेट्रोल पर स्विच हो जाएगी। साथ में भाई फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो पूरा सेफ्टी मेजर्स वगैरह हर एक चीज़ फॉलो कर रखे हैं। और क्वालिटी जैसे मैंने बताया भाई स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब हर एक चीज़ बिल्कुल सोच समझ के दी गई है। और अगर इसके भाई CNG के इंटेलिजेंट फीचर बताऊँ ना तो सिंगल एडवांस ECU है, एक ही ECU से भाई सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। साथ में डायरेक्ट अपनी CNG पे स्टार्ट होती है, मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया था, स्टार्ट भी अपनी CNG पे होगी। और एक और चीज़ भाई आप लोगों को बता देता हूँ, ऑटो स्विच ओवर बिटवीन फ्यूल्स, मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि गाड़ी के अंदर CNG कम है तो आप लोगों को स्विच करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप ही CNG से आप लोगों की पेट्रोल मोड पर स्विच कर लेगी। और साथ में भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही अपनी CNG, और फास्टर रिफ्यूलिंग। तो भाई ये कुछ इसके फीचर्स थे, बाकी आप पॉज करके इसे आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये देखना भाई, जो कन्वर्ट होती है ना पेट्रोल CNG से कितनी इजीली हो जाती है, ये दबाया ये पेट्रोल पे हो गई और वापसी बटन दबाया अपनी CNG पे हो गई। तो बहुत ईजी है भाई इसे कन्वर्ट करना, और मतलब गाड़ी को आपको फील भी नहीं होगी आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी कुछ आप देख लो, बाकी थोड़े और ड्राइव करते हैं, देखते हैं भाई 100-120 किलोमीटर कितनी हम ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद वापसी फुल करेंगे और इसकी जो एवरेज है वो हम निकालते हैं। तो भाई गाड़ी हमने 73 किलोमीटर लगभग ड्राइव कर ली, और जो हमारा भाई सेकंड पॉइंट था वो अराउंड 62-63 किलोमीटर के आसपास उड़ गया था। और बाकी जो एक्सपीरियंस है भाई मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, मज़ा आ ही रहा है। बाकी अगर जैसे मान लो कि ये तो ड्राइविंग के एक्सपीरियंस और साथ में एवरेज तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी अगर आप लोगों को थोड़े से की हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताऊँ तो करंटली वी आर ड्राइविंग टॉप वेरियंट जो है भाई XZ+ डुअल टोन। तो उसके अंदर आप लोगों को फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं भाई, 7 inches का हरमन का आप लोगों को एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेबल स्टीरियो मिल जाता है, साथ में भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, साथ में स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हैंडल्स आप लोगों को क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं, साथ में भाई इंटीरियर डुअल टोन है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ब्लैक और आइस ग्रे कलर है। और साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कपड़ा भी दिया है कंफर्ट के लिए भी, और लुक भी अच्छी आती है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी भाई, जो टॉप वेरिएंट में भी जो ये देख रहे हो ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, ये पहले की कार्स में आता था, ये थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ फैशन लगा। तो अगर ये ना होके यहाँ पे होता तो मेरे हिसाब से और ज्यादा रिफाइंड होता इसका इंटीरियर। बाकी ओवरऑल बात करें तो और कोई मुझे खास इसमें शिकायत नहीं है। तो अभी लगभग भाई 25 किलोमीटर मैं और ड्राइव करूंगा इसे, और सीधा आप लोगों को 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद इसका सीधा चलेंगे भाई हम CNG पंप पे वापसी, इसे वापसी कराते हैं फुल और देखते हैं भाई फाइनली हमारी गाड़ी ने क्या एवरेज दिया। मैंने हर एक कंडीशन में भाई गाड़ी ड्राइव करी है, मतलब ये सोच लो कि ट्रैफिक में भी करी है, हाईवे में भी कर रहा हूं मैं, गाड़ी मैंने स्टैंडिंग भी छोड़ी है और अभी AC भी ऑन है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पे, ये देखो भाई अपना AC भी ऑन है साथ में, ये नहीं है कि भाई AC ऑफ है। तो बिल्कुल एक रियल टाइम एवरेज मैं आप लोगों के साथ कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप एक गाड़ी लेते हो ये वाली और प्रैक्टिकल से डेली यूज में ड्राइव करते हो तो आप लोगों को क्या एक रियल लाइफ एवरेज मिलेगी। तो भाई 25 किलोमीटर और ड्राइव कर लेते हैं, इतने आप कुछ थोड़े से और सिनेमैटिक शॉट्स और टाइम लैप्स देखो, फिर मिलते हैं अपने बाद में।
तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर पार चल चुकी है, हमने 103.5 किलोमीटर ड्राइव कर लिया गाड़ी और भाई हम सेम अपने सीएनजी पंप पे आ चुके हैं जहाँ से हमने मॉर्निंग में डलवाई थी। तो बस अभी भाई हम दोबारा से फुल करवाते हैं और अभी भाई इसके अंदर ऑलरेडी 2 पॉइंट बचे हुए हैं। और सीएनजी में भाई क्या होता है, अगर मान लो फुल ड्राइव अगर फुल करवा के जाओ चलाओगे ना गाड़ी तो एक और अच्छी एवरेज मिलती है। हो सकता है अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत एवरेज कम आई, रीजन बीइंग क्योंकि लास्ट के जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना भाई वो और अच्छी तरह मतलब और ज्यादा एवरेज निकालते हैं, पर लगभग भाई 103-104 किलोमीटर के अंदर काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन थी। और बस अभी भाई सीएनजी भरने का टाइम आ चुका है तो एक बार इसे भी भराते हैं, फिर उसके बाद जो पूरी कैलकुलेशन है भाई फिर करते हैं। So guys, आप लोगों ने अपना पूरा इसका राइडिंग एक्सपीरियंस वगैरह देख लिया होगा। अब बात आती है भाई फाइनली की गाड़ी ने एवरेज की है, तो भाई मैं कैलकुलेशन करता हूँ अपना 103.5 डिवाइडेड बाय 4.5, तो भाई 23 की एवरेज आ रही है। और जो है मैंने ड्राइव की थी ना गाड़ी, मतलब बहुत ज्यादा हार्श पैडल पे गई थी, हार्ड पैडलिंग पे गई थी। अगर आप लोग बहुत एक मतलब ऐसे लाइट पैडल पे चलाओगे ना तो मेरे हिसाब से भाई अराउंड 25-26 कम से कम भी गाड़ी एवरेज आप लोगों को दे देगी। और मैंने भाई मतलब हर एक कंडीशन में ड्राइव की थी, गाड़ी हमारी स्टैंडिंग भी रही थी, साथ में भाई हाईवे पे भी ड्राइव करी है, सिटी में भी ड्राइव करी है और ट्रैफिक में भी ड्राइव करी है। तो उसके हिसाब से भाई 23 की एवरेज मेरे हिसाब से भाई मोर देन इनफ है और ये बिल्कुल रियल माइलेज टेस्ट है। ये नहीं है कि भाई कोई स्क्रिप्टेड है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाई है और भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। अगर भाई पर हेड कॉस्ट आप काउंट करोगे ना चार बंदे बिठा के, तो लगभग 50 पैसे के आसपास आप लोगों को पर किलोमीटर में पड़ेगी। तो भाई देखो कितनी ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड। तो ये जो भाई करंट वेरियंट देख रहे हो टॉप ऑफ द लाइन, डैट वॉज एग्जेट प्लस डुअल टोन। तो इसकी जो एक्सटर्नल प्राइस है भाई वो है 8,41,900। साथ में अगर इसी से आप नीचे आओगे जिसके अंदर आप लोगों को डुअल टोन नहीं लेनी तो उसमें आपको लगभग 12,000 रुपीज़ कम है, दैट इज 8,29,900। और जो उसका बेस वेरिएंट है वो है एक्सजेड और जो उसकी प्राइसिंग है वो है लगभग 7,69,900। अगर आप लोगों को भाई ये सेडान वाली गाड़ी नहीं चाहिए और अगर आप लोगों को नॉर्मल एक गाड़ी चाहिए तो जैसे अपने पास एक टैगोर थी, अपने पास एक टियागो भी आ रही है सीएनजी में सारे सेम फीचर से रिलेटेड, तो उसकी जो प्राइसिंग लगभग आ रही है वो आ रही है भाई उसमें चार वेरियंट्स आ रहे हैं, एक्सी, एक्सएम, एक्सटी, एक्सजेड प्लस और एक्सजेड प्लस डुअल टोन। तो उसकी प्राइसिंग की बात करें तो लगभग भाई 6,09,900 रुपये से स्टार्ट है एक्सशोरूम प्राइस और उसकी हाईएस्ट प्राइस जो आ रही है डुअल टोन वाली की वो जा रही है 7,64,900। ये जो प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बताया भाई एक्सशोरूम प्राइस है और आप लोगों को आईसीएनजी वाली के बताए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई आज की वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छी लगी होगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को भाई बनाने में। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई बताना आप लोगों को कैसे लगा कैसे नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों सीधे एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।